बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रुकफील्ड ऑनलाइन पोर्टल। बेटा आज हम लोग देखने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 3, जो कि एक्सरसाइज 1.2 और उसकी प्रॉपर्टीज़ पर मुश्तमिल था। हमने अभी तक जो देखा था वो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कस किया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, फिर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पे लगने वाले ऑपरेशंस जो हैं उनको डिस्कस किया है, और फिर एक्सरसाइज 1.2 में उसके जो रिलेटिव्स थे आप लोगों के पास क्वेश्चंस, उनको हम लोगों ने किया है। आज हम लोग बेटा जो देखने जा रहे हैं वो आप लोगों के पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, सबसे पहले तो आप ये देख लें कि जो आप लोगों के पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं रियल नंबर्स में, वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी हमने क्लास में डिस्कस किया था। उस प्रॉपर्टीज़ में आपने देखा था, सबसे पहले था क्लोयर ला, वो रियल नंबर पे होल्ड करता था, तो क्लोयर ला आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी होल्ड करता है। फिर उसके बाद आप लोगों ने देखा कि एसोसिएटिव ला होल्ड करता है रियल नंबर में, तो कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी एसोसिएटिव ला होल्ड करता है। इसी तरह आप लोगों के पास यहाँ पर हमने देखी थी इसके बाद आइडेंटिटी। अब रियल नंबर में आइडेंटिटी जो थी वो दो तरह की होती थी, एक विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और एक विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम कहते थे ज़ीरो हमारी आइडेंटिटी, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हम कहते थे वन है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी यही होता है कि आप लोगों के पास जो आइडेंटिटी होती है वो यही रहती है, बट कॉम्प्लेक्स नंबर में क्योंकि आप नंबर को दो हिस्सों में लिखते हैं, लाइक ज़ीरो को मैं लिखूंगा ज़ीरो प्लस ज़ीरो आयोटा, तो जमा के लिहाज से उसकी आइडेंटिटी बनेगी ज़ीरो ज़ीरो, और वन को मैं लिखूंगा वन प्लस ज़ीरो आयोटा, तो वन के लिहाज से इसकी आइडेंटिटी बनेगी वन और ज़ीरो। तो क्या कि कॉम्प्लेक्स नंबर की आइडेंटिटी जो है वो एडिशन के लिहाज से क्या है ज़ीरो ज़ीरो, जबकि मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से क्या है वन ज़ीरो, राइट। अब आते हैं इन्वर्स की तरफ। इन्वर्स आपके पास एडिशन के लिहाज से जो होता था रियल नंबर में वो क्या होता था, वो होता था कि अगर ए है तो उसका इन्वर्स माइनस ए है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन के लिहाज से इन्वर्स ये है कि अगर आपके पास ए है कॉम्प्लेक्स नंबर में, आप दो नंबर होते हैं ना ए प्लस बी आयोटा, या आप ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में लिखें तो ए बी, तो इसका इन्वर्स एडिशन के लिहाज से होगा माइनस ए और माइनस बी, क्योंकि इन दोनों को जमा करें तो इन्वर्स क्या कहता है नंबर को, और इन्वर्स को जमा करें तो आइडेंटिटी होना चाहिए। इस वजह से ए माइनस ए ज़ीरो और बी माइनस बी ज़ीरो, तो आइडेंटिटी बन जाता है, इस वजह से ये इसका इन्वर्स है। और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से बेटा किसी भी ए बी का इन्वर्स ये डिफरेंट है थोड़ा, इसका आप लोगों ने फार्मूला याद रखना है, क्या होता है ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉम्प्लेक्स नंबर में ये होता है और रियल नंबर में वन ओवर ए इन्वर्स होता था। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में इतना चेंज क्यों है, किस वजह से ऐसा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में इन्वर्स इसका ये है, तो वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया गया है कोई भी ए प्लस बी आयोटा, अगर रियल की तरह देखें कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है क्या, तो वो क्या होगा भला, वन ओवर जेड, मतलब वन ओवर ए प्लस बी आयोटा ऐसे। अब आपको ये भी पता है कि आयोटा कभी भी बटे के नीचे नहीं लिखा जा सकता, जब भी आएगा आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और उसके कॉन्जुगेट से डिवाइड भी करवा देंगे। ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा a माइनस बी आयोटा, और नीचे देखो तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या बनेगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर आयोटा स्केयर। अब क्या होगा, अब हमारे पास बनेगा a माइनस बी आयोटा ओवर ए स्केयर, और आयोटा स्केयर क्या होता है माइनस वन, जिसकी वजह से क्या हो गया प्लस बी स्केयर। अब आप लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर कॉमा माइनस बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर, अगर आप इसको ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में लिखना चाहें। तो क्या साबित हुआ कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होता है बेटा वो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का वो ये होता है, अगर आप किसको कॉम्प्लेक्स नंबर से मतलब ए और बी से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा जो आपकी मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है वन और ज़ीरो, आप करके देख सकते हैं कि इसका आंसर ये आएगा। तो क्या इन्वर्स के लिए आपने फार्मूला यूज़ करना है ए ओवर
सॉरी ए ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर एंड माइनस बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब आप लोगों के पास नेक्स्ट अगर हम लोग देखें एक्सरसाइज, तो उस एक्सरसाइज में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये दिया गया है। ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, पेपर में भी आता है आप लोगों के पास। तो क्या है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालें, माइनस फोर और सेवन का। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालेंगे, आप देखेंगे ए आपको दिया गया है माइनस फोर, बी आपको दे दिया गया है सेवन। तो ये आपको ए की वैल्यू भी दी गई है, बी की वैल्यू भी दी गई है। हम लिखेंगे यहाँ कि जेड इनवर्स, उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है ए स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर कोमा माइनस बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ये फार्मूला आ गया। ए की वैल्यू है आपके पास क्या, माइनस चार, वो लिखी हमने। ए स्केयर आपके पास क्या है, चार का स्केयर सोलह, बी स्केयर क्या है सात, उसका स्केयर 49। इधर माइनस बी, यहाँ पर माइनस सेवन ओवर ए का स्केयर आपके पास 16 और 49 आ गया। अब क्या बन गया, ये आपके पास माइनस चार ओवर 65 और यहाँ पर आपके पास आ गया माइनस सात बटा 65। तो ये क्या निकल आया, इनवर्स निकल आया इस फंक्शन। आप कहेंगे सर दूसरा सवाल भी करवा दें, क्योंकि वो भी डेफिनेटली अंडर रूट में हमारे बच्चों को वैसे प्रॉब्लम आता है अगर कोई क्वेश्चन स्केयर रूट में आ जाए। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो इससे भी ज़्यादा आसान सवाल है। मतलब ए आपको दिया गया अंडर रूट टू, बी आपको दे दिया गया है अंडर रूट माइनस फाइव। तो फार्मूला क्या है इनवर्स का, इनवर्स का फार्मूला होता है ए ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर कॉमा माइनस बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ये फार्मूला हमने लगा दिया, किसका है ये, जेड इनवर्स का। अब फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है, अंडर रूट टू ओवर अंडर रूट टू का स्केयर प्लस अंडर रूट फाइव का स्केयर, यस, माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस अंडर रूट फाइव। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस अंडर रूट फाइव ओवर अंडर रूट टू का स्केयर प्लस अंडर रूट फाइव का स्केयर। सिर्फ वैल्यू पुट कर देनी है, ये बन जाएगा ऊपर अंडर रूट टू, नीचे दो जमा पाँच, इधर आ जाएगा अंडर रूट फाइव, नीचे दो जमा पाँच। जवाब ने क्या आ जाना है, अंडर रूट दो बटा सात और यहाँ भी अंडर रूट फाइव ओवर सेवन। ये इसका इनवर्स निकल आया। तो ये बड़ा ही आसान आप लोगों के पास क्वेश्चन था इसके इनवर्स का। अगला क्वेश्चन 16 है, उसमें क्या कहता है बेटा, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको सेपरेट करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, लाइक क्या है, माइनस टू प्लस थ्री अयोटा ओवर वन प्लस अयोटा और ऊपर वाले का स्केयर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखें, ऊपर वाले का स्केयर ओपन करते हैं। कैसे, कि ये हमारे पास होगा 3 अयोटा माइनस टू का स्केयर ओवर 1 प्लस अयोटा, ऊपर a माइनस बी का स्केयर। क्या होता है, a स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस माइनस है, तो माइनस फार्मूला 2a और b आता है ना, ये फार्मूला आप लोगों को, डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा। अब ऊपर बनेगा 9 अयोटा का स्केयर, 9 वैसे अयोटा स्केयर की वजह से माइनस 9, प्लस 2 का स्केयर, 2 का स्केयर हमारे पास क्या है 4, इधर माइनस माइनस प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया 4, 4 3 था माइनस 12 अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा, माइनस 9 प्लस 5, ये आपके पास बन जाता है बेटा यहाँ पर माइनस का 3 और माइनस 12 अयोटा और नीचे आ गया आपके पास 1 प्लस अयोटा। क्या ये सिंप्लीफाई हो गया, रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो गए, नहीं हुए। क्यों, क्योंकि अयोटा नीचे है और मैथमेटिशियन कभी भी अयोटा को नीचे पसंद नहीं करता। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे 1 माइनस अयोटा से, डिवाइड भी करवा देंगे 1 माइनस अयोटा से। माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 3, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस अयोटा प्लस 3 अयोटा, फिर माइनस 12 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 12 अयोटा एंड माइनस माइनस प्लस 12 अयोटा का स्केयर।
और डिवाइड पे बच्चे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, वन का स्क्वायर माइनस ए होना का स्क्वायर। ये बन गया आपके पास माइनस तीन, थ्री आयोटा माइनस ट्वेल्व आयोटा, ये हमारे पास आ गया माइनस नाइन आयोटा, और ट्वेल्व आयोटा स्क्वायर कितना होता है माइनस ट्वेल्व डिवाइडेड बाय यहाँ वन और प्लस का वन, ये बना माइनस फिफ्टीन माइनस नाइन आयोटा ओवर टू। अब अगर इसको अलग अलग करके लिखें तो माइनस फिफ्टीन ओवर टू अलग, माइनस नाइन ओवर टू आयोटा अलग, तो ये बेटा आपका रियल पार्ट है कि रियल पार्ट क्या हो गया आप लोगों के पास माइनस फिफ्टीन ओवर टू, और इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया आप लोगों के पास वो हो गया माइनस नाइन ओवर टू। ये लिख देना रियल पार्ट और यहाँ क्या हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट, ये लिख देना कंप्लीट करके आप। अगला ये क्वेश्चन है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर पे हम इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।